ओके गाइस, 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, कुछ नया होने वाला है। जी हाँ, बारिश के मौसम में कुछ नया होगा, यानी कि बारिश के बहाने इससे नए सोलो सॉन्ग, सिंगल सॉन्ग के बारे में सुबह से ही हम बातें कर रहे थे। इसे गाने को गाया है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर बब्बू मान ने, और इसे गाने को कंपोज किया है वेरी टैलेंटेड, मेरे बहुत ही करीबी हैं डीजे सैजवुड। उनको मैं अब कॉल करने वाला हूँ, उनके साथ मेरी बातें होने वाली है। चलिए नंबर घुमाते हैं। धूप थी बाजार के धर से आए, खुशबू भरी हवा पैरों में ही चलाए, मौसम ने लिया। हेलो सहज भाई, आरजी अनिमेश बोल रहा हूँ 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर से। हाय अनिमेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता शहर, आप ही के अपने फेवरेट शहर कोलकाता में। हाय अनिमेश, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, बारिश के समय आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट है पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बातें हो रही है सिंगल सॉन्ग बारिश के बहाने की, कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? अनिमेश, इट्स फॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोगों का ये सॉन्ग उसी टाइम रिलीज हुआ जो कि एक राइट पूरा मॉनसून इस टाइम इंडिया को हिट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये गाना हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड किया था बैक विद बब्बू जी, बब्बू मान साहब, और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम लोग कुछ एक तरह का सॉन्ग करेंगे जिसमें कि ओवरऑल एक मौसम को गाने के अंदर दिखाएंगे, वेदर विल बी इन द सॉन्ग। और बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे कि मानसून का सॉन्ग भी नहीं आया था, तो ये एक प्लान था। लेकिन जी गॉड इज काइंड एनफ, अब तक लोग सोचते थे कि शेजवुड रिमिक्सेस किस तरह के रिमिक्सेस आएंगे, ये आप कह सकते हैं कि फ्रेश रोमांटिक मेलोडिकल सॉन्ग हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। एंड लकीली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है जो लिसनर्स हैं, दे आर लविंग द ट्रैक लाइक एनीथिंग, दे आर लविंग, यू कैन से बब्बू मान साहब एक्चुअली इज अ बिग नेम, सो कोलैबोरेटिंग विद हिम एंड कमिंग आउट विद द सिंगल कॉल बारिश के बहाने इज ऑलवेज अ ग्रेट पार्ट। क्या बात, बिल्कुल आपने सही बात की, और हमारे फ्रेंड्स से भी पूरी टीम की ओर से आपकी और आपकी टीम को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा यूट्यूब पे व्यूवर्स ने इसे गाने को देखा, लोगों को इतना पसंद आया है, तो ये भी एक तरह से अचीवमेंट है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी अनिमेश, ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने भी आई एम सिटिंग ऑन 122 एल्बम, ये मेरा भी पहला एल्बम ऐसा है कि जिसमें प्री लॉन्च, अभी आज लॉन्च होने जा रहा है, टेलीविजन रेडियो प्रमोशन सब आज से शुरू होंगे, उससे पहले इतना आप कह सकते हैं कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, आप सॉन्ग वाइज अभी 8 लाख से पहुंच गए हैं हम लोग, तो बिफोर लॉन्च इतना सब कुछ होना इस मिरेकुलस, और मैं तो यही कह सकता हूँ अभी तो धूप थी घटा के घर से आई, खुशबू भरी हवा पैगाम इश्क लाई, मौसम ने ली अंगड़ाई जलवा देख दीवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, वाह रे रे वाह रे नसीब देखो पानी का। क्या बात है, मुझे ये बताइए सर, आप इतने अच्छे डीजे हैं, करीब 7 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, धूम मचा रहे हैं, 100+ आपने इतने सारे गानों को रिमिक्स किया है, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सर, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में या म्यूजिक इंडस्ट्री में? अनिमेश, इट्स ऑलवेज बीइंग अ गुड फॉर मी, इट्स ऑलवेज बीइंग अ गुड जर्नी, मैंने जितना भी काम किया यहाँ इंडस्ट्री में रिमिक्सेस किए, मैंने फिल्म्स भी की हैं, सुपर मॉडल जो अश्मित और वीना की फिल्म थी दैट वॉज बीइंग कंपोज बाई मी, और उसके अलावा उत्थान जो कुमार शानू दादा ने प्रोड्यूस की थी उसका भी टाइटल ट्रैक मैंने ही किया था। तो आई हैड अराउंड 5 to 6 कलावना नैनो से बांधे का ऑफिशियल मैंने किया था, और आप कह सकते हैं मेरे पिया गए रंगून, बुढ़ा मिल गया, परदेसिया, दिस ऑल रिमिक्सेस, दे में जेड़े पास काइंड ऑफ पंजाबी सॉन्ग, एक इतनी ब्यूटिफुल जर्नी है, उसके बीच में शो, और मैं आपको बता दूं मेरी लाइफ का फर्स्ट लाइव शो मैंने कोलकाता में ही किया था। अरे वाह, क्या बात, दैट वाज इन 2005, दैट वाज अ न्यू ईयर शो, उससे पहले मैं मतलब डीजेइंग आई वाज नॉट इनटू, दैट वाज माय फर्स्ट शो, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट मेमोरी ऑलवेज बीन विद कोलकाता। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि सम आरजे वांट्स टू टेक अ इंटरव्यू फ्रॉम कोलकाता, आई वाज एकदम ओवर दैट। बिल्कुल सर, हम तो बहुत प्यार करते हैं आपको, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप कोलकाता एक बार फिर से आए, मैं स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी बातें आपके साथ करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा 7 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में आप हैं, एक अच्छे डीजे की क्या पहचान होती है, क्या कहेंगे? एक अच्छा डीजे वो ही हो सकता है निमेश जिसको म्यूजिक का बहुत अच्छा सेंस हो, इट्स नॉट अबाउट मिक्सिंग, क्या होता है कि आप जिस मूड में होते हैं
उस मूड के अंदर किस तरह का म्यूजिक आप लोगों को दे सकते हैं उस टाइम, जैसे एक प्रोड्यूसर होता है, हम लोगों ने ये प्रोड्यूस किया बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, ये गाना सब लोगों से रिलेट करेगा तभी ये गाना हिट होगा। ऐसे एक डीजे होता है जब वो अपनी कंसोल पे अपने सॉन्ग की लिस्ट को प्ले कर रहा होता है तो सडनली अगर क्राउड के साथ कनेक्ट नहीं करेगा तो वो डीजे उतना आप कह सकते हैं कि दैट्स नॉट अ गुड डीजे। ओनली मिक्सिंग, ओनली प्लेइंग म्यूजिक इज नथिंग। तो जितने भी डीजे होते हैं जो मेरे से हमेशा पूछने आते हैं कि व्हाट कैन बी डन, क्या अभी नेक्स्ट हो सकता है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप अपनी ऐसा म्यूजिक लोगों को सुनाएं जो उनकी वो जो नाइट है जिसके लिए वो बाहर आते हैं वो मेमोरेबल हो जाए। बिल्कुल, दैट इज द ओनली वन। बिल्कुल, बारिश की जब बातें हो रही है, बारिश के बहाने की जब बातें हो रही है, तो बारिश में एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है करनी, वो चीज क्या होगी? मुझे बारिश में सबसे अच्छा लगता है म्यूजिक कंपोज करना। फॉर मी, आई ऑलवेज लव टू कंपोज म्यूजिक इन बारिश क्योंकि दैट इज माई पैशन। बाकी ड्राइव इज ऑल्सो माई पैशन, मैं बारिश में ड्राइव करता हूँ, अपना म्यूजिक क्रिएट करता हूँ और म्यूजिक सुनता हूँ, ये मेरा एक आप कह सकते हैं पैशन। क्या बात है, जाते जाते जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे हमारे शहर कोलकाता शहर में सुन रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन सभी के लिए अपने फैंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कह सकता हूँ एंजॉय द रेन, म्यूजिक के साथ आप इस बारिश का मजा लीजिए। और चूंकि बारिश है और जाते जाते मैं आप लोगों को अपनी वो जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था इसके कारण मुझे लोग आज तक जानते हैं, उसकी कुछ लाइन सुना देता हूँ जी। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत सखताए, कोई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, न लेकर आए, हम बर्मा की गलियों में फिरते और तुम देहरादून, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। वो मेरे पिया गए रंगून बहा से, किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, कोलकाता में अपने फैंस के साथ बातें करने के लिए, मुझे समय देने के लिए। मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी आप कोलकाता शहर आए, ढेर सारी बातें और अब करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक्स। मिलिए तो भाई सर नन अदर देन वेरी टैलेंटेड डीजे सैजवुड जिनके साथ हमारी बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बस ये थोड़ी देर में मुंबई में आज लॉन्च होने वाला है बारिश के बहाने, ये सिंगल सॉन्ग है जिसे गाया है बब्बू मान ने और कंपोज किया है नन अदर देन डीजे सैजवुड ने। 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स की, सुनते रहो साथ रहो।